मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी इज्जत बरकरार बनी रहे तो ऐसे में आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें करने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं उन बातों के बारे में जिन्हें करने में हमें कभी शर्म नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा हो जो उनके बारे में जानता न हो। अपने समय के वे एक जाने माने महान डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन थे। चाणक्य ने अपने जीवन में कई तरह की बातें बताए हैं जिनका अगर अनुसरण कर ले तो आपका जीवन खुशहाल होने के साथ ही साथ तनाव रहित भी रहेगा। दोस्तों, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति इन कामों में शर्म करता है उन्हें कभी कामयाबी और संतुष्टि नहीं मिलती। दोस्तों, सबसे पहला काम पति पत्नी के बीच का शर्म। जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं और संबंध के दौरान घबराते हैं तो उनके बीच में कोई गैर पुरुष या गैर महिला अपनी जगह बना सकती है। दोस्तों, प्रेम संबंध मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच सलाह मशवरा हमेशा मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, शारीरिक तौर पर किसी भी प्रेमी जोड़े को ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, इसलिए संबंधों के दौरान शर्म बिल्कुल भी ना करें। बेझिझक होकर पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करें, इसी में आपकी समझदारी है। नंबर दो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय या कहीं और से ज्ञान प्राप्त करते समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार गुरु से ज्ञान लेते समय कभी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा ही रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जानकारी किसी भी चीज की हो पूरी होना चाहिए, वरना फायदा कम नुकसान ज्यादा हो सकता है। नंबर तीन, भोजन करते समय कभी शर्म ना करें। दोस्तों, भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भोजन करते समय शर्म आती है वे लोग ज्यादातर भूखे ही सोते हैं और ये समस्या किसी मुसीबत से कम नहीं। दोस्तों, भूखा इंसान क्रोध का शिकार हो जाता है, इसीलिए बेझिझक होकर पेट भर भोजन करना चाहिए। हालांकि भोजन करने में शर्म करना भोजन का अपमान माना गया है। नंबर चार, उधार का पैसा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी को दिया हुआ धन बेझिझक होकर मांगना चाहिए। जो व्यक्ति अपना ही धन मांगने में शर्म करता है वो कभी धनवान हो ही नहीं सकता, ऐसे में आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए उधारी मांगने में कभी शर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों वो आपका पैसा है, पैसा से ही पैसा बनता है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से बनेगा। इसलिए आचार्य चाणक्य जी ये सलाह देते हैं कि इसमें कभी शर्म ना करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, हालांकि उस काम को करने में ज़्यादा विचार ही नहीं करना चाहिए जिसमें आपका कुछ जाता ना हो और किसी का कुछ बन जाता हो। धन्यवाद।